वॉन्ट्स वॉन्ट्स पोयम कंपोज की गई थी फिलिप लर्किन के द्वारा। फिलिप लर्किन जो कि एक इंग्लिश पोइट थे, उनका जन्म 1922 में हुआ था और उनकी डेथ 1985 में। यह पोयम दो स्टेंजास में डिवाइडेड है, हर स्टेंजा में 5 लाइन्स है, तो टोटल ये पोयम 10 लाइन्स की है। इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है और ये पोयम पब्लिश हुई थी इन हिज कलेक्शन द लेस डिसीव्ड में, जो कि नवंबर 1955 को आया था। ये बहुत छोटी सी पोयम है और इसमें फिलिप लर्किन ने बताया है कि वो क्या चाहते हैं, उनकी विश क्या है। तो वो बोलते हैं कि बियॉन्ड ऑल दिस द विश टू बी अलोन, बियॉन्ड ऑल दिस इन सबसे भी ऊपर, इन सबको छोड़कर द विश मेरी इच्छा है टू बी अलोन, अकेले हो रहने की मेरी इच्छा है कि मैं अकेला रहूं, इन सबसे दूर रहूं। हाउ एवर द स्काई ग्रोस डार्क विद इन्विटेशन कार्ड्स, हाउ एवर लेकिन क्या हो रहा है कि द स्काई जो आकाश है ग्रोस डार्क वो काला होता जा रहा है। इसका मतलब है कि उनकी जो जिंदगी है उनके दिन खत्म होते जा रहे हैं, वो बूढ़े होते जा रहे हैं। विद इन्विटेशन कार्ड्स, इन्विटेशन कार्ड्स का मतलब है कि उनके लिए कुछ ना कोई काम आया ही रहता है, वह कुछ ना कुछ कामों में लगे ही रहते हैं, वो अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाते और इन्हीं कामों से उनके जिंदगी के दिन भी बीतते जा रहे हैं। हाउ एवर वी फॉलो द प्रिंटेड डायरेक्शंस ऑफ सेक्स, और जो कि एक प्रिंटेड डायरेक्शन रख दी गई है, यानी कि सेक्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि मेल के लिए मेल के काम और फीमेल के लिए फीमेल के काम, ये बता दिए गए हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सब इसे फॉलो करते रहते हैं अपनी लाइफ में, बस हम यही काम करते रहते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। हाउ एवर द फैमिली इज़ फोटोग्राफ्ड अंडर द फ्लैग स्टाफ, और जो हमारी फैमिली है, हमारा परिवार है, उसका हम फोटोग्राफ कराते हैं। यदि हम मतलब हम कहीं भी चले जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम फैमिली फ़ोटो लेते हैं और उसमें खुश दिखाई देते हैं। फ्लैग स्टाफ का मतलब है कि जो फ्लैग का जो झंडा होता है, यानी कि फ्लैग का जो स्टाफ होता है, यानी कि फ्लैग को खड़ा करने के लिए जो एक तरह से पोल होता है। तो हमारी जो लाइफ के पोल हैं वो हमारे जैसे फ्रेंड्स हुए, रिलेटिव्स हुए, हमारी फैमिली हुई, तो यही तो है ना हमारी फैमिली, हमारी लाइफ के पोल। तो हम क्या है कि हम फोटोग्राफ खिंचाते रहते हैं इनके साथ और उसमें खुश दिखाई देते हैं, भले ही हम खुश ना हो लेकिन फ़ोटो में हम ज़रूर खुश दिखाई देंगे। बियॉन्ड ऑल दिस और इन सबसे भी परे, इन सबसे भी ऊपर, द विश टू बी अलोन, मेरी इच्छा है कि मैं अपने लिए कुछ समय निकालूं, मैं कुछ देर अकेला बैठूं। बीनीथ इट ऑल द डिज़ायर फॉर ओबियन रन्स, इन सबसे भी अलग, इन सबसे भी नीचे मेरी एक इच्छा है फॉर ओबियन रन्स। ओब्लिवियन का मतलब होता है सब कुछ भूल कर, यानी कि एक मदहोशी अवस्था में। तो मेरी ये इच्छा है कि मैं सब कुछ भूल कर कहीं चला जाऊँ, रन कर जाऊँ कहीं। डिस्पाइट द आर्टफुल टेंशंस ऑफ द कैलेंडर, यद्यपि मेरे साथ बहुत सारी टेंशन है ऑफ द कैलेंडर, इसका मतलब ये है कि जो हमारा कैलेंडर होता है घर में, तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट काम है, यानी कि कोई इंपॉर्टेंट डे पर हमें कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, तो हम उस कैलेंडर पर लिख देते हैं कि हमें इस दिन ये काम करना है, हम उस पर कुछ साइन बना देते हैं। तो इसीलिए लर्किन सर भी ये कह रहे हैं कि हालांकि मेरा जो कैलेंडर है वो टेंशन से भरा हुआ है, यानी कि मेरे काम पहले से निर्धारित है कि मुझे किस दिन क्या काम करना है, लेकिन फिर भी मैं इन सब से दूर जाना चाहता हूँ। द लाइफ इंश्योरेंस द टेबल फर्टिलिटी राइट्स, हम लोग अपनी लाइफ में क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि जैसे हमने लाइफ इंश्योरेंस करा लेते हैं, हम अपना जीवन बीमा करा लेते हैं। द टेबल फर्टिलिटी राइट्स, और फर्टिलिटी का मतलब है कि टू गिव बर्थ टू चिल्ड्रन, राइट्स यानी कि ये परंपरा हम निभाते रहते हैं बच्चे को जन्म देना। द कॉस्टली एवर्सन ऑफ द आईज, और हम अपनी आँखों को एक तरह से एवर्सन होता है घृणा करना, हेट करना, अवे फ्रॉम द डेथ, यानी कि मृत्यु से हम घृणा करते हैं या हम मृत्यु से जो है अपनी आँखें फेर लेते हैं, हमें ऐसा लगता है कि मृत्यु नहीं आएगी, हम मृत्यु को एक कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, जबकि हमें पता है कि वो एक ट्रूथ है, वो जिंदगी का ट्रूथ है, यानी कि हम अपनी मृत्यु आने का वेट करते रहते हैं और हम अपने लिए कोई समय ही नहीं निकाल पाते, हम बस अपनी फैमिली, जो हमारी फर्टिलिटी राइट्स है, लाइफ इंश्योरेंस है, या और जो टेंशंस है हमारी, हम सब उसी में लगे रहते हैं। बीनीथ इट ऑल द डिज़ायर फॉर ओब्लिवन रन्स, लेकिन लर्किन सर चाहते हैं कि वो इन सबसे दूर कहीं ऐसी जगह चले जाए, वह सब कुछ भूल जाए और वो इस जिंदगी से दूर चले जाए, वो इस टेंशन भरी लाइफ से दूर चले जाएं, कहीं अकेले में अपने लिए कुछ समय निकालें, कहीं अकेले में वो कुछ समय व्यतीत करें।